अहमदिल्ल व तोफ़ी ही काफ़ी बयान गुजर चुका है ज़रूरी मसाइल आ चुके हैं सलात इस्तखारा की कैफियत उसके आदाब उसके शरात के बारे में और उसकी जुजयी तफसीलत के बारे में भी और इस तरह से हम लोग सलात इस्तखारा और दुआ इस्तखारा के अख्ताम तक पहुँच चुके हैं अब यहाँ पर जो सूरत हाल हुई है कि एक बंदा ने अल्लाह और उसके रसूल के तालीम के मुताबिक उनके हुक्म के मुताबिक इस्तारा किया अपने किसी मामले में किसी काम में अपनी कोशिश किया उसने कि मखदूर भर जितना उसके अंदर अल्लाह ने ताकत रखा है उस ताकत के हिसाब से उसने कोशिश किया जद्दोजहद की मेहनत की और से मालूम हासिल की दीन का इलम हासिल किया इसखारा के मसाइल का इल्म हासिल किया और इस्तार किया अलहमदिल्लाहमद लदीबिन अमत हिदालत अब यहाँ पर सवाल ये पेश आता है कि अब बंदा इस्तारा कर चुका है तो अब क्या करे वो उसका काम था इस्तारा करना उसको मुकल्ब बनाया गया था इस्तारा करने का तो अब वो क्या करे? इस्खारा तो अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका वो नमाज़ भी पढ़ ली दुआ भी कर ली तो नाजरेन क़िराम मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि अब उसे और कुछ नहीं करना है किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है किसी निशानी की तलाश नहीं करनी है उसको सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि जिस काम के लिए इस बंदे ने इसखारा किया है उस पर अमल दरामद शुरू कर दें उस काम को कर गुज़रे उस काम में लग जाए और इसखारा के बाद के जो मराहिल हैं उसमें वो उनकी शुरुआत कर दे तो इन तरह से जो भी मामला उसका होने वाला है वो बहुसन ख़ूबी अपने अंजाम को पहुँचेगा मुकम्मल हो जाएगा और अल्लाह ताला हर तरह की खैर बरकत उस काम में रखेंगे इस मौके पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग सही इल्म न होने की वजह से सही सुन्नत का इल्म ना होने की वजह से बहुत से ऐसे निशानियाँ आलाम उन्नास को बताते हैं जिनका कोई ज़िक्र किताब सुन्नत में या की किताबों में नहीं है वो आपसे कहेंगे कि अगर इस, इस इस्तखारा करने के बाद जिस काम के लिए इस्तखारा किया है उसकी तरफ़ से आपके दिल में शरह सदर हो जाए यानी दिली इत्मीनान हो जाए आपको ए कलब हासिल हो जाए सुकून हासिल हो जाए राहत मिल जाए तो समझिए आपका इस्तखारा मकबूल है और आप ये काम कर गुजरिए। बाद लोग कहेंगे कि रात में या नींद में ख्वाब नजर आएगा आपको तो अगर अच्छा ख्वाब है तो ये समझिए आपका इस्तखारा कबूल है और वो काम शुरू कर दीजिए और अगर बुरा ख्वाब नज़र आया जो कि शैतान की तरफ से होता है तो अगर बुरा ख्वाब नज़र आया तो ये समझिए कि इस काम में आपके लिए खैर नहीं है भलाई नहीं है इस काम को मत अंजाम दीजिए कुछ लोग आपसे कहेंगे कुछ नीली पीली हरी सफ़ेद अलामतें नज़र आएंगी आपको लकीरें नज़र आएंगी आपको लेकिन उसका इल्म से सुन्नत से इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है की पूरी किताबें आप खंगाल डालिए हदीसें खंगाल डालिए कहीं भी आपको इस्तिखारा के कबूल होने की कोई निशानी या कोई अलामत नहीं मिलेगी उलमा इस बात पर इतफ़ा करते हैं जो महक् कराम हैं कि अब आप उस काम में लग जाइए जिस काम के लिए आपने इस्तिखारा किया हाँ अलबत्त ये सवाल हो सकता है कि मैंने इस्तारा किया और वो काम शुरू भी किया वो काम हो भी गया लेकिन उस काम में मेरे लिए बाद में शर का पहलू निकल आया बुराई निकल आई इसका क्या जवाब है आपके पास इसका जवाब ये है कि हमें इस्तारा के पूरे सिस्टम को समझने की ज़रूरत है इस्तारा कबूल होना या ना कबूल होना इसको मालूम करने का हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है और न किताबों में इस सिलसिले में कोई रहनुमाई मस्कूर है हाँ ये है उल्मा जिस बात की निशानदेही करते हैं और हदीस से उसकी दलील भी मिलती है कि इसतखारा सलात इस्तारा और दुआ इस्तारा का मजमु है दोनों चीज़ों से मुकम्मल होती है ये इबादत पहले सलात है फिर दुआ है और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सलात के माने भी अरबी लगत में दुआ ही के हैं तो दुआ ही दुआ दोनों है अगर आपको लगता है कि आपका इस्तखारा कबूल नहीं हुआ आपके काम में परेशानी आ गई या आप नाकाम हो रहे हैं या आपका काम और मामला बिगड़ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा ठहर के सोचने की ज़रूरत है वो ये कि इस्तखारा एक मुकम्मल दुआ है नमाज और दुआ से इबारत है तो दुआ अपनी जगह पर दुआ है और नमाज भी दुआ ही है इस्खारा ना कबूल होने का सबब वही हो सकता है या असबाब वही हो सकते हैं जो दुआ कबूल ना होने के असबाब हैं यानी दोनों ही दुआ हैं तो दोनों की कबूलियत के लिए कुछ शरायत बयान किए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शरायत पाई जाएंगी तो इन वो दुआ और वो इस्तखारा कबूल और मकबूल होगा अल्लाह तला के यहाँ और आपके काम में खैर आ जाएगा बरकत आ जाएगी आसानी आ जाएगी और अगर दुआ के आदाब और शरात का आपने पास व लिहाज नहीं रखा है जिस हालत में जिस कैफ़ियत में दुआ करने की तालीम दी गई है किताब सुन्नत में उन चीज़ों को आपने सामने नहीं रखा है तो आपकी दुआ और आपकी सलात इस्तारा कबूल होने के मौा और उम्मीदें कम हैं चंद चीज़ें ज़िक्र करता हूँ जिनकी मौजूदगी में दुआ कबूल नहीं होती हमें इस पहलू पर ध्यान देना होगा हमारे मामलों ख़राब हो रहे हैं यकीन हमारा इस्तारा भी कभी कभी उल्टा पड़ जाता है नाकामियाँ हमारे सामने हैं परेशानियाँ उलझने खानदानी रकाबतें रंजिशें तजारत में नाकामियाँ मामलत इंतहा दर्जे के ख़राब हो जाना नतीजे में कहीं कहीं ख़ुदकुशी के हादसा पेश आते हैं इसलिए हमें ठहर कर संजीदगी से गौर करना चाहिए कि हमारी दुआएँ और हमारी इबादतें कैसी हैं उनमें रूह है, उन रू है कि नहीं रूह है वो सुन्नत के मुताबिक हैं कि नहीं मुताबिक हैं या अपनी तरफ से ईजाद करदा हमारी इबादतें इसमें शामिल हो गई हैं या दुआ के जो कबूलियत के मवाने हैं जो रुकावटें हैं वो हमारी दुआओं के वक्त में मौजूद हैं तो फिर कबूलियत की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इसलिए हमें गौर करना पड़ेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन अमूर की तरफ तवज्जो दिलाई है कि अगर ये चीज़ें रहेंगी तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी सबसे मशहूर हदीस तो सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें माँ मुस्लिम रहा रिवायत करते हैं कि एक आदमी थका मादा सफ़र में है या सफ़र से वापस आता है उसके कपड़े और बाल उलझे हुए हैं गर्द गोबार से अटे हुए हैं कपड़े परेशान हालत में है और ऐसी हालत में वो अल्लाह ताला के सामने दुआ करता है अल्लाह ताला से हाथ उठा के दुआ करता है कुछ अपनी मुराद मांगता है कुछ ज़रूरत पूरी करने की दरख्वास्त करता है और या रब रब्ब, या रब्बे का हवाला दे के अ रब अ पालनहार अ परवरदिगार तेरी दहाई है तेरा वास्ता है दुआ करता है लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती वजह क्या है उसी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला आगे रिश्वात फरमाते हैं कि मक़ल व हराम व मल बसू हराम व मशरब व हरामजा बलहू कि उसका खाना हराम का है यानी वो जो कमाई कर रहा है उस कमाई के अवज़ में जो खाना और रोज़ी हासिल कर रहा है उस कमाई का तरीक़ा हराम का है और उसका खाना हराम का है मशरब व हराम जो पीता है वो चाहे पानी पीता है जो भी पीने वाले हलाल चीज़ें हैं उसमें हराम चीज़ें शामिल हैं जैसे शराब ही पीता है या हराम कमाई से वो पानी ख़रीदता है वो भी हराम हुआ वो मलबसु हराम उसका लिबास भी हराम का है यानी टोटली उसकी पूरी आमदनी हराम पर मुश्तमिल है और उसके तमाम अखराज हराम से पूरे होते हैं उसके बावजूद वो अल्लाह ताला से दुआ करता है हाथ उठा के दुआ करता है फ़ैन इसलू तो उसकी दुआ क्यों कर क़बूल होगी यानी उसकी दुआ नहीं कबूल होगी इसलिए इस हदीस की रोशनी में मालूम हुआ कि हमें आम दुआ करनी है या इस्तारा की दुआ करनी है या इसखारा की नमाज़ पढ़ के फिर इस्तारा की दुआ करनी है और अपनी कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए अपने किसी मामले में आसानी के लिए और बरकत के लिए अल्लाह की मदद चाहिए अल्लाह की तरफ से इंतखाब करना चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहला ये काम करना पड़ेगा कि हमें अपनी कमाई हलाल कर रखनी पड़ेगी हलाल रोज़ी हमारी होनी चाहिए हलाल खाना हमारा होना चाहिए हलाल पीना हमारा होना चाहिए हलाल लिबास भी हमारा होना चाहिए अगर ये तमाम तीनों चीज़ें हलाल हैं तो फिर इनशा रहमत बारी जोश में आती है और हमारी दुआओं को अल्लाह रब्लम कबूल फ़रमाता है दूसरा अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने यह बयान फ़रमाया कि कोई भी मुसलमान दुआ करता है इस कायन में इस रुए ज़मीन पर तो अल्लाह ताली उसकी दुआ कबूल करता है और यही अल्लाह ने फरमाया है कुरान में शहीत जो नजीम वही दा सबादी फ़ै इन करीब उजी बतान जब भी कोई दुआ करने वाला दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ यह अल्लाह का फरमान है फिर मैं उसमें शुभा नहीं होना चाहिए लेकिन नबी करीम सल्ला वसम् ने शर्त लगाई कि वो दुआ कैसी हो जिसको अल्लाह तबूल करे हर दुआ को अल्लाह ताला कबूल तो नहीं करता अगर उस दुआ में कुछ बुराइयां हैं तो उसकी वजह से अल्लाह ताला तो उनको कबूल नहीं करेगा मिसाल के तौर पर वो कोई ऐसी दुआ करता है कि जिसमें कहमी है अपने रिश्तेदारों से वो ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहता है मिसाल के तौर पर अगर रिश्तेदार उसको तकलीफ़ दे रहे हैं या तकलीफ की हालत में है वो और परेशान होकर अल्लाह ताला से दुआ करता है या बद दुआ करता है अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ बुराई चाहता है उनसे हसद रखता है उनका बुरा चाहता है उनके लिए कीना और बुग्ज़ रखता है दिल में तो ऐसी हालत में उनके लिए वो अगर कोई दुआ करता है तो इस पस मंज़र में वो दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है अल्लाह ताला की वादा है और अल्लाह के रसूल की ये हदीस है कि हर मुसलमान बंदे का जो भी इस रुए ज़मीन पर अल्लाह ताला से दुआ करता है उसकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल करता है और दुआ इस्तखारा भी उसी दुआ में शामिल है इल्ला ये कि हो सकता है जल्दी ना कबूल करे अल्लाह ताला तो उसमें घबराना नहीं चाहिए फिर फरमाते हैं आप कि हो सकता है उसकी दुआ को किसी और शक्ल में अल्लाह ताला दे दे कोई चीज़ मांगता है बंदा इंसान और अल्लाह ताला जानता है कि ये चीज़ इसके हक़ में ख़तरनाक है तो अल्लाह ताला उसके एवज़ में कोई दूसरी चीज़ उसको इनायत कर देता है जो उसके हक़ में बेहतर होती है लेकिन ये उसी शक्ल में कबूल होती है जब तक वो रहमी नहीं करता है अगर किसी से रहमी किए हुए है वो अपने रिश्तेदारों से मामला तो उसके ख़राब हैं कतः ताल्लुक़ किए हुए है अगरचे उसके रिश्तेदार भी उसको तकलीफ़ दे रहे हों लेकिन इस्लाम की ये बेहतरीन तालीम है कि अगरचे रिश्तेदार भी तकलीफ़ दे रहे हों लेकिन आपका का काम क्या है आपकी ज़िम्मेदारी क्या है सिलमन क़त का जो तुम्हें काटे उसको जोड़ो ये समाजी ज़िंदगी के लिए माशरती जिंदगी के लिए ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन सोने के पानी से लिखे जाने के असूल हैं ये जो हर फरमान हदीस है कि सिलमन कत का ज़ाहिर बात है नाराज़गी होती है तो इंसान ताल्लुत ख़त्म कर लेता है लेकिन कमाल आज़मत है ये इस्लाम की बेहतरीन तालीम है इस्लाम की कि अगर तुम्हें किसी से तकलीफ़ भी पहुँची हो तब भी तुम कता मत करो बल्कि उससे रिश्तेदारी को और रहम के सिलसिले को जोड़ने के लिए ही कोशिश करते रहो तो अगर ये कैफ़त है तो इन श्ला उस दुआ की कबूलीत में कोई शुभ नहीं है दुआ की कबूलीत में एक रुकावट और आ जाती है जिसके बारे में नबी करीम अलैहि वसल्लम हमें आगाही दे रहे हैं और फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान दुआ करता है तो उसकी दुआ तो कबूल होनी चाहिए लेकिन कुछ काम उसके साथ साथ ऐसे करता है और कुछ काम जिनको करने का उसे अल्लाह ने हुक्म दिया वो काम नहीं करता है तो ऐसी सूरत में उसकी दुआ कबूल नहीं होती है बल्कि अल्लाह ताला अपनी तरफ़ से उस पर ये मुसीबत या आज़ाब नाजिल कर देता है कि दुआ मांगते हैं और दुआ कबूल नहीं होती है ये सही तरवीजी की रिवायत है कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम कि तुम्हें अमर बिलआरूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए पैदा किया गया है दुनिया में रहता मरना बिल्माआरूफ वलता त अनिल मुनकर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल कि मरूफ नेकी फैलाने का काम करो नेकी का हुक्म देने का ये फरीदा अंजाम दो और बुराई से लोगों को रोको अगर ये तुम अपनी वजूदी ज़िम्मेदारी नहीं अदा करोगे तो अल्लाह तला ऐसे हालात पैदा कर देगा कि तुम दुआ करोगे लेकिन तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी तो यही मसला दुआ इस्तारा और सलात इस्तारा के कबूल ना होने का भी है कि ऐसी रुकावटें होती हैं कि उनकी वजह से हमारी दुआ वो कबूल नहीं होती है इसलिए जिसको फिक्र हो कि हमारा इस्तारा कबूल हो हमारा इस्तारा कामयाब हो और उस कामयाबी का सिलसिला हमारे काम तक बढ़ता चला जाए और आकबत अमरी जैसा कि इसके अल्फ़ हैं आखिरी अंजाम तक आखिरी मरहले तक वो काम बेहतर ही बेहतर रहे उसमें बरकत ही बरकत रहे तो हमें अपने हालात पर गौर करना पड़ेगा अपने हालात का तजिया करना पड़ेगा अपनी आमदनी का जायज़ा लेना पड़ेगा सूद ब्याज वग़ैरह जो मसाइल हैं या किसी भी तरह का हराम अगर उसमें सिलसिला हमारी आमदनी में शामिल हो गया है तो वो दुआ कबूल नहीं होगी और अगर इसी तरह से हम लोग अगर रिश्तेदारों से अपने ताल्लुकात को ख़राब रखेंगे सिला रहमी के बजाय कैतर रहमी करेंगे तो भी हमारी दुआ कबूल नहीं होगी और इसी तरह से जिस मक़सद के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है और अल्लाह ने पैदा किया है वो है लोगों को भलाई का रास्ता दिखलाना और लोगों को हराम कामों से बुरे कामों से रोकना अगर इस फरीजा से हम गाफ़िल हो जाएंगे सिर्फ़ दुनिया कमाने में लगे रहेंगे दौलत के हसूल में दौड़ धूप करेंगे और इस अहम दीनी फर तरीके से गाफिल रहेंगे तो उस कैफियत में भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती है इसलिए ये मामला सबसे पहले हमारे हाथ में है कि हम लोग अपने इन तमाम कमियों को दूर कर लें अपने मामलात को सही कर लें उसके बाद अल्लाह ताला की राहत को आवाज़ दें तो उसकी राहमत तो हर वक्त हमारे लिए खुली हुई अलहद ला चौबीस घंटा उसकी रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है अलहमद उसकी तरफ से मेहरबानी के तरीक़े खुले हुए हमारे सामने दरवाज़े खुले हमारे सामने कमी सिर्फ़ हमारे अंदर है अगर सही कर लें तो मांगो और पाओ फौरी तौर पर आपकी दुआ इंशाल्लाह कबूल होगी जिसमें अल्लाह ताला हमारे लिए खैर को रखेगा इस्तारा करने वाला जो होता है वो कभी कभी देखता है इस्तारा के बाद कि उसका मामला शुरू में तो आसानी से हो गया काम हो गया जिस काम के लिए इस्तारा किया था शादी किया या दुकान खरीद ली गाड़ी ख़रीद ली लेकिन चंद दिनों के गुज़रने के बाद उसमें परेशानियाँ और बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं तो ऐसा क्यों होता है ऐसे लोग कहते हैं कि आपने कहा कि इस्तखारा कर लो मैंने आपके मशवरे पर इस्तखारा कर लिया और अंजाम देखिए आपके सामने है मेरी ज़िंदगी मुकद्दर हो गई है शादी किया तो बााहिर शुरू में बीवी अच्छी लगी इंतखाब सही लगा लेकिन धीरे धीरे उसके पर पुरजे निकलते चले गए वो बदअख़लाक है या नासमझ है या और कोई मासीत उसके अंदर है नमाज़ नहीं पढ़ती है क़ुरान नहीं पढ़ती है दीनी अहकाम पर शराकाम अमल नहीं करती है तो ज़िंदगी आपकी मुकद्दर हो जाती है आप परेशान हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा इस्तारा तो उल्टा हो गया ऐसा नहीं है या इसी तरह से एक आदमी है जो गाड़ी खरीदता है इस्तारा करके और गाड़ी ख़रीदने के तमाम मराल आसानी से तय हो गए और गाड़ी उसके हाथ में आ गई जो उसकी मतलूबा गाड़ी थी लेकिन होता क्या है कि चंद दिनों के बाद गाड़ी ख़राब होने लगती है बार बार रुक जाती है फला कमी निकल आई फला काम निकल आ गया ये पुर्जा लगाना है और आदमी इसमें परेशान हो जाता है हालांकि वो पहले इस्तारा कर चुका है तो ऐसा क्यों होता है पहली बात तो इस सिलसिले में यह कि हमें घबराना नहीं चाहिए एक बंदे मुस्लिम जिसने इस्तारा किया है पूरे शरात और आदाब के साथ गलत सूरत हाल पेश आने पर उसको घबराना नहीं चाहिए उसने शादी किया इस्तखारा करके बाद में बीवी के कुछ आए हुनर सामने आए बे ही यही कैफियत खातून के साथ भी हो सकती है कि खातून ने औरत ने एक मुसलमान मर्द से शादी किया तमाम मराहल आसानी से मुकम्मल हो गए शादी हो गई रुखसती हो गई वो अपने शोहर के घर में आ गई और उनकी खानदानी या शोहर बीवी की ये ज़िंदगी शुरू हुई बाद में परेशानी आ गई उसमें नाराज़गियाँ बढ़ती गई शोहर उस एतबार से सही नहीं निकला जिसका उसने ख्याल किया था जिसका ख्वाब देखा था तो ऐसी तरह से गाड़ी का मसला है या किसी भी काम में नाकामी की सूरत में इस्तारा करने के बाद नाकामी की सूरत में या उल्टा नजर आने की सूरत में एक बंदे मोमिन को घबराना नहीं चाहिए उसका एतक़ाद उसका यकीन अपने अल्लाह पर पूरा और मज़बूत होना चाहिए और ये एतक़ाद होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए कभी शर का इंतख्य नहीं करेगा ये बााहिर जो शर नजर आ रहा है अल्लाह ताला इसमें कभी भी मेरे लिए शर का इंत नहीं करेगा और एक पहलू ये भी है कि कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पर शर नहीं होती कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पर शर नहीं होती बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बा हमारे लिए उनमें शर नज़र आता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आदमी को खैर ही खर खैर नज़र आता है शुरू से आखिर तक जैसे दीन, तौहीद, इबादत इन सब की तोफ़ी अल्लाह ने दिया ये सब चीज़ें काबिल रश्क हैं और में बेहतरीन इनाम है अल्लाह ताला का हम इस पे शुक्रिया अदा करते हैं और खुश भी रहते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं होती लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे इंसान घबरा जाता है कि इसमें तो तकलीफ दे पहलू है ये जैसे मर्ज़ है बीमारी है दुनिया में बहुत सी मखलूकात हैं जिनसे तकलीफ पहुँचती है सांप है बिच्छू है वगैरह वगैरह तो ऐसी सूरत में इंसान को घबराना नहीं चाहिए पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि जिससे शादी किया है चाहे मर्द ने औरत से चाहे औरत ने मर्द से और वह बाहिर उनको उल्टा नजर आता है या परेशानी का सबब नजर आता है उसमें ऐसा नहीं है आपने एक खातून से शादी किया और वो भी इस्तारा करके शादी किया है तो अब आपको घबराना नहीं चाहिए और अपना वो हसन ज़न जो आपने कायम किया था अल्लाह ताला से इस्तारा करने के वक्त में और बाद में भी वो बरकरार रखना चाहिए कि अल्लाह ताला से मैं हुसने जन रखता हूँ अल्लाह ताला मेरे हक़ हाँ में कभी कोई शर नहीं करेगा मिसाल के तौर पर ऐसी खातून से आपकी शादी हुई अब थोड़े दिनों के बाद उनमें कोई कमी नज़र आती है कोई बुराई नज़र आती है और कभी कभी तलाक़ की नौबत आ जाती है और आप जो सच्चे पक्के मोमिन हैं माहिद हैं वो इसखारा करके तलाक़ देते हैं तलाक़ भी इस्तारा करके शादी भी किया तो इस्तारा करके तलाक़ भी देते हैं तो इस्ति करके ये इस बात का सबूत है कि इस बंदे मोमिन का ताल्लुक अल्लाह ताला से मज़बूत है अगरचि कुछ खराबियाँ कुछ परेशानियाँ हमको शुरू में नज़र आती हैं लेकिन बंदे का ये एतकाद है पुख्ता यकीन और ईमान है कि अल्लाह ताला हमारे लिए शर नहीं करेगा इसी शादी वाले वाक़े में देख लीजिए हो सकता है अगर शुरू में ये शर आपको नज़र आता जैसे मैंने अर्ज़ किया कि किसी भी चीज़ में मुकम्मल शर नहीं होता कोई ना कोई पहलू शर का निकल आता है उसके असबाब होते हैं लेकिन उसमें भी हमारे लिए खैर ही होता है मिसाल के तौर पर इस खातून से आप शादी करने जा रहे थे और वो मुकम्मल हो गया शादी आपने कर लिया और काफ़ी अर्जा गुजारा दो साल दस साल का अर्जा गुजारा बाद में अख्तलाफा शुरू हो गए नाराज़गियाँ शुरू हो गई लेकिन अगर आप ना शादी करते इस खातून से जिसमें अब आप आपको खामियाँ नज़र आ रही हैं तो और अगर इतने दिन आप गैर शादीशुदा रहते तो हो सकता है आपसे कोई गुनाह हो जाता कोई मासीत आपसे सरजद हो जाती तो उसका अजाब आपको मिलता या हो सकता है अल्लाह ताला ने इस बीवी से जिसको आप इस वक्त नापसंद कर रहे हैं आपको ज़रूरियत दी है औलाद अता की है तो हो सकता है उस औलाद में आपके लिए और उस औलाद के लिए भी कल मुस्तबिल में खैर ही खैर हो वो औलाद इतनी महजब इतनी तरबियत याफ़्त निकले कि वो आपके बुढ़ापे में आपके ज़िंदगी के अगले मराहल में आपका साथ दे और आपकी ज़िम्मेदारी में आपका हाथ बटाए इसी तरह से कोई आदमी गाड़ी ख़रीदता है सही बात है गाड़ी इंसानों की बनाई हुई चीज़ें कल कला को उसमें ख़राबी हो जाती है और हो रही है इसी इतने वर्कशॉप और गैरेज बने हुए हैं कि इसमें बिल्कुल फितरी बात है कि गाड़ी ख़राब होगी कोई गाड़ी ऐसी नहीं होती जो हमेशा अच्छी ही रहे आपने दुआ किया था इस्ते किया था कि अल्लाह ताला अच्छी गाड़ी मुझे दे दे अच्छी गाड़ी मैं ख़रीद सकूं तो ये बिल्कुल सही है आप लेकिन वो खराबियाँ हैं आई हैं वो वक्ती तौर पर हैं शुरू से वो खराबियाँ नहीं रही हैं तो अब एक बंदे मोमिन जैसे बीवी के बारे में सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसको आज़र देता है बद अखलाक़ बीवी है बेदीन बीवी है उसको अपने अकद जोजियत में रखे हुए और अल्लाह ताला के सामने सब्र का मुजाहरा करता है तो उसको बर्दाश्त करने पर उसको साथ लेके चलने पर तो अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा आज़ दे देता है एक पहलू ये भी इसमें खैर का है ऐसी गाड़ी है बहुत से लोग आप देखिए नई गाड़ी ख़रीदते हैं तो नई गाड़ी के जोम में बहुत ज़्यादा उसकी रफ़्तार बढ़ा देते हैं मालूम हुआ कि रफ़्तार ओवर हो गई तो एक्सीडेंट हो गया हमारे यहाँ भी हम लोग देहात में गाँव के रहने वाले हैं सड़क के ख़राब होने की वजह से आदमी वहाँ पर स्पीड बना ही नहीं पाता हम लोग चलते हैं तो हर दो मिनट चार मिनट के बाद गेयर बदलना पड़ता है मैं अपने गांव ही का वाक्य बता रहा हूं जहां पे अभी रोड नया बना है उसके बाद जब रोड बन गया बेहतरीन फोर लेन बन गया है तो बिल्कुल रनवे की तरह से अब उस पर जो गाड़ियां चलाते हैं वो फुल स्पीड बल्कि ओवर स्पीड चलाते हैं और ख़तरनाक ख़तरनाक मोड़ हैं या बाइक वाले हैं या ब्रेकर हैं नहीं दे सके और मालूम हुआ कि एक्सीडेंट हो गया जब सड़क ख़राब थी तो एक्सीडेंट से लोग बचे हुए थे अब जब सड़क इतनी बेहतर हो गई है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं तो ये अल्लाह ताला की हिमत है कि किसी भी चीज़ में शर मुकम्मल तौर पर नहीं होता कोई जानबी शर होता है कोई किसी एक पहलू का शर होता है इसलिए आदमी को घबराना नहीं चाहिए कि मेरा इस्तारा तो उल्टा हो गया नहीं आपका अकीदा और मजबूत होगा कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है और हमारे अमाल के बूजब हो रहा है हमारी दुआ कबूल हुई या कबूल हुई और बंदा कभी भी इस सिलसिले को ख़त्म नहीं करता है कि अब मैं इस्तारा नहीं करूँगा नहीं ये तोहेद के बनाफी है आपकी वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा है अल्लाह तला की हकमत उस पस मंज़र में है उसके बैकग्राउंड में है और अल्लाह ताली आपके और हमारी खैर खाही के लिए ये सब हालात पैदा करता है वो क़दर मुतलक़ है अल्लामयूब है वो कभी बंदों के लिए शर का इंतखाब कर ही नहीं सकता रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से इस पहलू पर बात की है और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ शर की नस्बत नहीं किए आप वो दुआ याद कीजिए सही मुस्लिम में जिसको रवायत इमाम मुस्लिम ने हदीस है वो वो दुआ है इफ्ताह सलाद की नमाज़ के शुरू में जो दुआएं पढ़ते हैं हम लोग जो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने सिखाया है उसमें बड़ी जामे दुआ ये है कई दुआएं हैं उसमें दुआए स दुआए इफ्त में अल्लाह वबाइद भी है और भी है उसमें एक दुआ हैजाह वी ख़ल स लर्द हनीफ़ उमया मश्रक़ीन उसमें अल्लाह के रसुलसलम लंबी दुआ पढ़ते हुए आखिर में कहते हैं व शरुले सई ले किया अल्लाह ताली मैं तेरी तरफ़ शर की नस्बत नहीं करता हूँ और इसकी तफसील ये बताते हैं कि अशिया में शय है लेकिन वो अल्लाह ताला के करने में नहीं है वो नतीजे के अतबार से है या उन अशिया के अतबार से वो शर उसमें मौजूद है और वो भी मुकम्मल शर नहीं होता मैं इन अगली अगली में इसकी वजहत करता हूँ कि शर जो होता है मखलूक़ात में वो किस किस्म का शर होता है और उससे कैसे बचा जाता है दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस दीक़ मबहस को पूरा करने की हमें तोफी फरमाए और हम तमाम लोगों को इसतखारा के मसाइल को इसी तरह से धीरे धीरे समझने की और उस पर अमल करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए असलम वरहतल वर्कात you mm -hmm.